Hey guys, it's me Rupali and welcome back to Rupali's Kitchen. Today's recipe is my favorite butter chicken. I hope you enjoy this recipe. Please like and share this video to your friends and family. If you're new here, please take a moment to subscribe my channel for the upcoming delicious recipe and hit the bell icon. So let's get to start our video. Butter chicken banane ke liye hum lenge chicken. Marination ke liye hum lenge ginger powder, garlic powder, onion powder, mint powder, cumin powder, lemon juice, red chili powder, salt and curd. अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को चिकन में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने इनको पाउडर फॉर्म में यूज किया है, इनकी जगह आप इनका फ्रेश पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करके कम से कम एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे प्याज, टमाटर, ऑयल, बटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्रीम, टमाटो सॉस, कसूरी मेथी और हरा धनिया, काजू का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, हरा धनिया, गरम मसाला और नमक। सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल को गरम करेंगे। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर के मेल्ट हो जाने पर अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। ये सबको अच्छे से मिला लें। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला हम इसमें अभी ऐड नहीं करें। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम अलग से निकाल लेंगे और ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। एक अलग पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। हम दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसे लिड लगाकर 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारा चिकन अब पक चुका है। देखिए इसमें कितना प्यारा कलर आया है। अब इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारा चिकन पक के तैयार है। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले बटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें मैंने प्याज और टमाटर को फ्राई किया था। अब हम अपना प्याज और टमाटर का मसाला पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्का सा भून जाने पर अब हम इसमें अपना बचा हुआ मैरिनेशन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे।
मसाला नीचे लगना नहीं चाहिए। अब हम इसमें टमाटर सॉस ऐड करेंगे। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ढककर थोड़ी सी देर पकाएंगे। मसाले में ऑयल सरफेस पर आ गया है, यानी हमारा मसाला लगभग पक चुका है। अब हम इसमें पहले से फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मसाले में कोट कर लें। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दी। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया, हरा धनिया ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। लीजिए, हमारा बटर चिकन बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे एक बाउल में और इसे डेकोरेट करेंगे हरे धनिए के साथ में। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।